हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डैम्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। जैसा कि आप इसका नाम समझ रहे हैं, वैसा इसका डेरिवेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम आज इसे बहुत ही प्यार से समझेंगे, है ना, जिससे आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएँ और आपको मज़ा भी आ जाए। दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, और उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। तो जैसा इसका नाम है डैम्ड ऑसिलेशंस, तो आप इसका प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे, और देखने के बाद में अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप कृपया करके उसे देख लें, प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था के द्वारा आप सभी के लिए KVS, NVS, आश्रम पद्धति और GIC मेंस, इन सभी के लिए कोर्स चलाए जा रहे हैं, UPTGT, PGT सभी के लिए। तो आप चाहें तो इस नंबर पर जो चल रहा है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सभी प्रकार के नोट्स, सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और सभी प्रकार के सबसे इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हमारी संस्था के पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा प्रमोशन हो गया। लगातार क्लासेस आपको सभी को दी जा रही हैं, सभी क्लासेस लगातार धमाकेदार तरीके से चल रही हैं, और इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि हम लोग लगातार बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डैम्ड ऑसिलेटर, ठीक है, डैम्ड ऑसिलेटर। तो डैम्ड ऑसिलेटर में हम ये सोचेंगे कि ये कैसे काम करता है, सबसे पहली बात ये है, और साथ में हम ये भी सोचेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डिटेल में, और अब जो हमारे पास टॉपिक आया है वो भी टॉपिक बेहतरीन है, ठीक है। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि रीस्टोरिंग फोर्स कैसे काम करता है, डैम्प्ड कोफिशियंट कैसे काम करता है। आई थिंक ये आप बस याद होगा तो आप मुस्कुरा रहे होंगे जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, वैसे ही इस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो आपको ये पता है कि नेट फोर्स कैसे काम करता है, ठीक है। अगर किसी भी पार्टिकल पर दो अपोजिट या फिर सिमिलर डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करते हैं तो उन्हें हम नेट करने के लिए क्या, कभी ऐड कर देते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जिनकी डायरेक्शन अगर सेम है तो ऐड करेंगे, अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काम खत्म है। ये नेट फोर्स हो गया। अगर एक पार्टिकल लगातार सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है, और मीडियम में जो उस पर लगने वाले अपोज करने वाले फोर्स हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो हैं, ठीक है, वो, और किसी पार्टिकल के पास में किसी भी हाइट पर जब उसे लेकर जाए तो उसके पास कोई एनर्जी आ जाती है, ये भी आपको पता है। तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं, सोचो, हम इसको यहाँ पर लेकर के आए, ये हमारा एक क्या है, एक बॉब एंड स्ट्रिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ये हमारे पास एक बॉब है और ये भी एक बॉब है, ठीक है। ये यहाँ पर है, हमने इस वाले पार्टिकल को उठाया और यहाँ से यहाँ तक लेकर चले आए, यहाँ तक, और ये वापस में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, समझो, पहले बहुत ध्यान से। इस पार्टिकल को हमने यहाँ पर था इनिशियल कंडीशन पर, इसको हमने पकड़ा और यहाँ पर लेकर आया, छोड़ दिया। जैसे हम छोड़ते हैं इसके पास में एक एनर्जी आ जाती है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे आती है, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट से इतनी हाइट पर आ चुका है सर, इतनी हाइट पर आने के कारण इसके पास में एक एनर्जी आ गई, वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम इसे छोड़ते हैं तो इसके पास एक, उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं, रिफ्लेक्ट करने के लिए एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इसके पास एक फोर्स आ गया जिसको रिस्टोर कर लिया इसने, और जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे वैसे ही भाग जाएगा, है ना। जैसे ही भाग के यहाँ से यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, समझते रही बात को। फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर लगातार ये अपने ऑसिलेशन को कम करता रहेगा, क्यों, क्योंकि इस पर मीडियम के पार्टिकल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वर्ड्स को समझिए, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसके लिए आपने एक फोर्स पढ़ रखा है, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर एक अपोजिट फोर्स काम करेगा जिसका नाम होगा डैम्पिंग फोर्स, FD, ठीक है, FD डैम्पिंग, एफ डैम्प है, लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। और इसके पास एक और फोर्स था, उसका नाम था रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। दो फोर्स हो गए आपके पास में, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे आया और डैम्पिंग फोर्स कैसे आया, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में काम करते हैं? जी हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन में ही काम करते हैं,
तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा। तो हमने कहा सर इस पर लगने वाला नेट फोर्स, हमने कहा सर एफ हो सकता है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ प्लस एफ डी प्लस एफ आर, सबका एड जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए, एफ प्लस एफ डी प्लस एफ आर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये हमने सोचा। तो कहेंगे सर जो ये एफ डी होता है वो कितना होता है, ये जो एफ डी होता है हमारे पास में उस एफ डी की वैल्यू कितनी होती है। सर एफ डी की वैल्यू होती है आपके पास में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बी इंटू वी माइनस का, बी इंटू वी माइनस का ये होता है। क्या ये क्वेश्चन सही लग रही है आपको, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए। नहीं अभी सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ से ऐसे रखें, अगर इस इक्वेशन को कुछ हम ऐसे रखें तो ये सही है, अब सही इक्वेशन है ना, और इस पार्ट को हम उधर लेके जाएंगे तो ये गलत हो जाएगी, समझिए बहुत ध्यान से इस बात को। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख करके सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, और अगर वैसे लगाएंगे तो हमें साइन नहीं रखने हैं, क्यों, क्योंकि हमने जो साइन लिया है ये पार्टिकल इधर जाना चाह रहा था, तो इस पर एफ डी इधर काम करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, देखो अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है ना। अब जब अपोजिट डायरेक्शन है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाले फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट, एफ इज इक्वल टू एफ डी प्लस का एफ आर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, सर रिस्टोरिंग फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स होता है, हम जानते हैं, ठीक है। अगर ये के होता है, अगर ये के होता है तो ये वैल्यू, और सर एफ नेट फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डी कितना है, माइनस का बी वी और प्लस का एफ आर कितना है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एम ए इज इक्वल टू माइनस का बी वी प्लस का, और ये वाला जो बनाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा, माइनस का के एक्स, ये आपका हो गया टोटल फोर्स, ये इतना काम करेगा। अब हम ये जानते हैं कि एम ए जो हमारा दिया हुआ है वो एक्चुअल में कितना है, ए कितना होता है, तो हम सर जानते हैं कि जो हमारा ए होता है वो होता है डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, ये होता है। अगर यहाँ से हम m को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक बेहतरीन इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा सर, उसका नाम हो जाएगा m डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस का b डी वी अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी, वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि ये वेलोसिटी है ना, और प्लस में दिया जाएगा प्लस का के इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, सारे हम पार्ट इधर लेके चले हैं। अगर हम इस एम से सभी को डिवाइड कर दें तो हमारे पास कोई इक्वेशन बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं सर बिल्कुल बनेगी, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का बी अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस का के बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी एक क्वेश्चन बन गई, ठीक है। अब इन सभी का कोई काम नहीं है, इन सभी का कोई काम नहीं है, क्यों का आप इसका काम ही नहीं है, बताइए कितनी गलत बात है, पहले आप बताते हैं फिर मिटाते हैं, है ना। ये हमारा हो गया बेसिक सा एक छोटा सा एग्जांपल, इसकी भी ज़रूरत नहीं सर, ये हमारा इतना हो गया, आप समझिए ये हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन आ गई, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमारे पास अगर ये इक्वेशन दी हुई है जो आपको थोड़ा दूर से दिख रहा है वो सर बढ़िया सी, अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा दिमाग लगा के समझें तो ये आपको क्या दिख रही है, सोचिए, ये आपको सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन दिख रही, नहीं दिख रही है, ठीक है सर बिल्कुल दिख रही है। अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन दिख रही है तो उसमें कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें हटानी है, कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू हटानी है, तो इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे सोल्यूशन करने हैं। तो ये आपको इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अगर हम इस इक्वेशन कुछ ऐसे लिखे तो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस का टू आर बी बाई एम को हमने 2r लिखा है, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी प्लस का के बाय एम, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम एल्फा होता है सर, कहेंगे सर होता है, एफ इज इक्वल टू
एक्स होता है सर, कैंसर होता है। वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस का, होता है कि नहीं होता है, याद करिए क्वेश्चन याद करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स उड़ेगा, माइनस से माइनस उड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, देयर फॉर के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का 2R डी अपॉन डी टी प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। कहेंगे सर ओमेगा नॉट आपने क्यों ले लिया, देखो ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी ली है हमने, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है, ये इनिशियल लिया है हमने, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जीरो, ये हमारा, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये एक सेकेंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक सेकेंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को ही हमें सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो हम इस इक्वेशन के लिए एक फंक्शन सोचते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए ई माइनस का नहीं प्लस लेते हैं अल्फा टी। ठीक है, ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो आपने डैम्ड ऑसिलेशन में इक्वेशन बनाई थी, थोड़ा अगर दिमाग लगा सकते हैं तो वी इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई एम था कि नहीं था। तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन को हमने कह दिया है, इस बी बाई एम को हमने अल्फा डिनोट कर लिया है, अल्फा मान लिया है, अल्फा, ठीक है, इस फंक्शन को मान लिया गया है। ठीक है, और अगर हम इस वाले फंक्शन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स नॉट बाई डी टी ई की पावर माइनस बी टी बाई एम, अगर हम इस वाले फॉर्म में कंसिडर करें तो ये वाला कुछ फंक्शन ऐसा आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। हालांकि ये इक्वेशन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होता है, पर v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस बी बाई टी ऐसा होता है। हम इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन में रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, इसको सॉल्व करूँ फिर मैं, तो ये हमारा हो गया इतनी इक्वेशंस, और ये भी हमारा हो गया इतनी इक्वेशंस। ठीक है, इन सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, उसकी ज़रूरत है ऊपर वाले को, इसको क्यों हटाना है ना। तो समझ में आया कुछ जी? हाँ सर समझ में आ गया, मेरे तो सर समझ में आ गया है, इसको भी बाद में लिख लेंगे। ये आपका इतना छोटा सा हो गया एग्जाम्पल, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो हमें। तो बेसिकली जो डैम्पिंग होती है वो तीन टाइप की होती है, बेसिकली जो डैम्पिंग होती है वो तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है सर? पहली होती है सर आपकी डैम्पिंग, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस का 2R डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, एक होती है अंडर डैम्पिंग, ठीक है, एक ओवर डैम्पिंग, एक क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, अभी हमसे हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंडर डैम्पिंग ओनली। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, अब आपके पास एक इक्वेशन है ए ई अल्फा टी इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर ये एक्स दिया हुआ है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है एम्पलीट्यूड। अगर हम इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, हमें ये दिमाग लगाना है, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए ए। अब आपको पता होगा कि सर ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, होता है ई एक्स, बट यहाँ पर अल्फा ये वेरिएबल भी दिया हुआ है, तो वेरिएबल आगे आ जाएगा अल्फा ई की पावर अल्फा टी, इक्वेशन वन हो जाएगी। फिर डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ से फिर करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर ई अल्फा टी इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। ये वाली वैल्यू अगर इसमें रख दें, ये वाली वैल्यू अगर इसमें रख दें तो कुछ वैल्यू आ सकती है क्या, सोचिए क्या आप दिमाग लगा सकते हैं,
यंगस्टर बिल्कुल लगा सकते, इसमें क्या दिक्कत है? सॉरी, अगर इस इक्वेशन में हम ए वाली रखते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? आएगा ए अल्फा स्क्वायर ई अल्फा टी, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे सेट किया प्लस का, 2R, फिर कितना है ए अल्फा ई अल्फा टी प्लस का, फिर कितना है? फिर है हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वेयर, फिर कितना है एक्स, एक्स कितना है हमारे पास में ए ई अल्फा टी इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो ए दिख रहा है कॉमन, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सभी में है, तो कितना कॉमन हो जाएगा? हो जाएगा ए ई अल्फा टी कॉमन कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस का 2R अल्फा प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना आएगा कि नहीं आएगा बताओ पहले फटाफट, सही से लिखते मेरे वो कहीं से बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, हमने ये इक्वेशन ही क्यों ली? सोचिए सोचिए थोड़ा सा। हमने ये इक्वेशन इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है, हम सोचना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं, जो हम डैम्पिंग कर रहे हैं, जो डैम्पिंग हो रही है, उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या वेरिएबल आ रहा है, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बॉल है, मैं आपको बॉली वाली दिखाता रहता हूँ, जैसे ये बॉल जब मैं जंप इसे तो पटकूंगा है ना ज़मीन पे, तो ये पहले जंप करेगी, फिर ऊपर आएगी, जंप करेगी, ऊपर आएगी, जंप करेगी, ऊपर आएगी, फिर एक टाइम आएगा तो बैठ जाएगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमें ये बताना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमें ये बताना है। तो लगातार डिस्प्लेसमेंट चेंज तो होने से रहा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, दोनों में चेंजेस हैं। तो अगर हम ये वाला वेरिएबल पता कर लें, अगर हम ये वाला वेरिएबल पता कर लें, ठीक है, तो हम अपनी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस वाली वैल्यू को ए वन ले लो, ए वन ले लो, क्योंकि अभी मैं इसके आगे जो फंक्शंस आएंगे उसके ए और बी वन होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हमारा इतना हो गया। अगर इतना हो गया है तो यहाँ पर देखो कुछ कॉमन हो रहा है। अगर हम इस वाले पूरे फंक्शन को एक्स ले लें, एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस का 2R अल्फा प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या अगर ये वाली वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी, अगर ये एक्स ही 0 हो जाएगा, अगर ये एक्स ही 0 हो जाएगा, तो आप दिमाग लगा सकते होंगे पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। मीन्स डैम्पिंग स्टार्ट ही नहीं होगी, मीन्स एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर एक्स्ट्रा फोर्स ना लगेगा तो कहाँ होगा? तो ये हमने कहा ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो ये वाला एक इक्वेशन बनाएगा, ये वाला फंक्शन एक इक्वेशन बनाएगा। कौन सी इक्वेशन? तो सर ये जो इक्वेशन आई है ये आपको कुछ दिख नहीं रही, कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा? इस टाइप की इक्वेशन नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप की इक्वेशन नहीं दिख रही है, जिसमें आप फैक्टर बनाते थे धराचार्य लगा के, कभी बिना धराचार्य के ऐसे करके आप इक्वेशन बनाते थे ना। अगर हम इसमें धराचार्य लगाते थे तो आता माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A इज इक्वल टू एक्स, ये तो आता था ना धराचार्य लगाने के बाद में आता था। तो देखो यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर मान लो अगर यहाँ पर वन है तो ए इतना हो गया, अल्फा स्क्वायर के फंक्शन में दिया हुआ अल्फा स्क्वायर अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पर देखो ये बी दिया हुआ है और ये आपका सी हो जाएगा ना, तो क्या दिक्कत है बताओ? तो क्या दिक्कत है? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमें इसी को इसी की वैल्यू पता करनी है, एक्स और इसके बीच में जो रिलेशन आएगा, ठीक है ना? ओके सर, अगर ये हमारी वैल्यू का एक फंक्शन है तो हम कैसे इसको सॉल्व करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ये हमारे पास आगे की इक्वेशन, अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता हो जाए, अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता हो जाए तो हम आसानी से सारी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से देखो ये तो फंक्शन ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, दो फंक्शन है, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2R प्लस माइनस अंडर रूट 2R का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान समझो, धराचार्य लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपका पूरा होगा B वाला फंक्शन, इतना यहाँ पर 1 होगा, ये आपका C होगा, माइनस का 4 ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है ओमेगा नॉट स्क्वेयर बाई 2 इंटू 1, ठीक है, कोई दिक्कत?
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। टू यहाँ पर है, टू यहाँ का स्क्वायर है, इसको हम दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो कितना आएगा, यहाँ से हमने कॉमन किया ना, अभी नहीं कॉमन करेंगे, बाद में करेंगे। टू आर प्लस माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर आर का स्क्वायर माइनस का टू का स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। टू स्क्वायर, टू स्क्वायर कॉमन होगा तो कितना आएगा बाहर, दो। डिवाइड करेंगे इसको टू से तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा माइनस का आर, यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो कॉमन होगा कटेगा, यहाँ बचेगा माइनस का आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में, तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है कितनी, एक्स इज इक्वल टू ए ई अल्फा टी, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हमारी आर की वैल्यू आई है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन शॉट पटा चलो फिर आगे चले। ओके चलो, तो ये हमारी इक्वेशन का एक भाग खत्म हो चुका है। अगर ये हमारे इक्वेशन का एक भाग था तो बचा क्या है सर, अभी अभी तो मेरे लाल आगे की पूरी कहानी बाकी है, आगे की पूरी कहानी बाकी है। अब हम सारी वैल्यूज़ को धीरे धीरे फाइंड करेंगे। अब आएगा हमारे पास कि डैम्पिंग के टाइप, जो हमने बताया था ना, तीन टाइप की डैम्पिंग होती है। तो डैम्पिंग जैसे मैंने कहा अंडर डैम्पिंग होगी। अंडर डैम्पिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल लगातार ऑसिलेशंस कर रहा है तो उस ऑसिलेशंस में क्या हो रहा है, लगातार गिरावट आ रही है, एम्पलीट्यूड में गिरावट आ रही है। और अगर एम्पलीट्यूड में गिरावट आ रही है तो क्या हम कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कुछ इस टाइप से। कुछ अगर मैं कहूँ कि ये इसका एम्पलीट्यूड का भाग है तो एम्पलीट्यूड कुछ ऐसे गिर रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से गिर रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसे गिर रहा होगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। देखो एम्पलीट्यूड गिर रहा, नहीं गिर रहा है, ऐसे करके ये आपका इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये आपका ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका, ये बेसिक इक्वेशन है, इसको उड़ा देते हैं। तो ये आपका अंडर डैम्पिंग का है, अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग भैया, आप समझो आगे की कहानी। अगर हम लोग अंडर डैम्पिंग की बात करें, अगर हम लोग अंडर डैम्पिंग की बात करें तो क्या होगा, अगर हम लोग अंडर डैम्पिंग की बात करते हैं तो अंडर डैम्पिंग के लिए किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्या दिमाग लगा सकते हो? तो कहेंगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं, अंडर डैम्पिंग के लिए, अंडर डैम्पिंग के लिए क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू, जो आर दिया हुआ है वो बहुत छोटा होना चाहिए कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। अगर ओमेगा बहुत ज़्यादा होगा, ओमेगा बहुत ज़्यादा होगा तो ये कुछ आएगा, तो सोचिए अगर ऐसा आएगा तो आर स्क्वायर कितना छोटा होगा ओमेगा स्क्वायर से, ऐसा होगा कुछ। अगर ये कंडीशन आ रही है तो इस वाली कंडीशन को थोड़ा सा दिमाग लगा हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर ऐसा आएगा तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो वैल्यू तो माइनस में आ जाएगी, अगर वैल्यू माइनस में आएगी तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। अगर सोचिए थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझते हैं, इफ़ आर इज इक्वल टू वन, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू फोर, फोर छोटा टर्म, तो इस वाली इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट वन, ठीक है। ओमेगा मान लो ओमेगा दो ही था यार, चलो ठीक है, माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा फोर, तो यहाँ पर आएगा माइनस वन प्लस माइनस माइनस का रूट थ्री आएगा। अगर माइनस का रूट थ्री आ रहा है तो इस माइनस के रूट थ्री को क्या हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, सोचिए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर हम लिख सकते हैं तो इसको कुछ ऐसे भी लिखा सकता है, कुछ ऐसे करके, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया आर, सॉरी आर इज इक्वल दिस, ये हमारी वैल्यू हो गई। देखो अल्फा लिखना है तो मैं आर लिख रहा हूँ, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब देखो हमें माइनस का भी झोल झाल नहीं समझ में आ रहा है, मतलब माइनस का झोल झाल हो रहा था ना वो क्लियर हो गया, यहाँ से माइनस का झोल झाल जो है यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या होता है ना, समझ में तो आपको आ ही गया होगा क्या करना है हम लोगों को,
तो अगर हमें ये समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अरे यार हटो, तो हम लोग रखेंगे अल्फा की वैल्यू, ठीक है, कहाँ रखेंगे? तो सर हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी, एक्स इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन, तो हम रखेंगे a1 e d पावर माइनस द आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, जब इस प्लस माइनस की वैल्यू को हम चेक करते हैं, तो हमने कहा सर ये जो वेरिएबल आ रहा है, इस वेरिएबल को दो फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो हमने कहा सर ठीक है, तोड़ लीजिए, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कितना हो जाएगा, ई दी पावर माइनस द आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, और कुछ था क्या सर, था बिल्कुल टी था, प्लस में दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके दिख रहा है, थोड़ा चमक रहा है आप लोगों का, इनटू प्लस करेंगे यहाँ पर, वैल्यू वही रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बी ई दी पावर माइनस द आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम लाइक दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये वैल्यू इतनी हो गई है मेरी जान, तो क्या करना है सोचो, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई टी, सॉरी इतना हो जाएगा। अगर हम इस वाली वैल्यू से ओमेगा को पहले कर लें, है ना, माइनस कॉमन करके अगर ओमेगा को पहले कर लेंगे, तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? दिक्कत तो नहीं होगी, पर हमें तो यहाँ पर माइनस प्लस का भी खेला थोड़ा समझना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आई आ रहा था, आयोटा जो आ रहा था, उस आयोटा को भी लेकर के आना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आर प्लस अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर, माइनस द आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा वन। बताओ कोई दिक्कत है? सोचो जल्दी 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 से बताओ, जल्दी से बताओ, प्लस का बी ई माइनस द आर माइनस रूट आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस वाली वैल्यू को ज़्यादा लंबा लिखना ना पड़े, हम क्या कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेता हूँ ना, हियर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख लिया हमने। तो इस वाली वैल्यू की जगह पर रखेंगे ओमेगा, और इसकी जगह पर आ जाएगा आयोटा आई, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए ई माइनस का आर प्लस का आयोटा, फिर यहाँ आएगा ओमेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से न्यूमेरिकल फंसते हैं, कई बार आए हैं, ठीक है, आए यहाँ आएगा आपका टी प्लस का, फिर आएगा आपका बी, ये आएगा बी, फिर ई माइनस का आर माइनस का आयोटा ओमेगा, फिर ये आएगा टी। बताओ कोई दिक्कत हो तो, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे देखो, अब टी से क्रॉस कर दो फटाफट, तो एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का आर टी, ठीक है, इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये पावर प्लस में थी, ये पावर प्लस में थी, जैसे कि एक्स की पावर ए प्लस बी लिखा हो, तो इसे लिखते हैं एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, लिख सकते हैं, वैसे ही हमने इसको तोड़ दिया है बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है, वैसे ही हमने इसको तोड़ दिया है। तो अगर ये हमने तोड़ा है इसको, तो प्लस का यहाँ पर आएगा बी ई की पावर माइनस आर टी, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, आएगा, फिर इंटू ई की पावर माइनस का आई ओमेगा टी आएगा, आएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है भाई आप लोगों को, कॉमन दिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू
ई दी पावर माइनस आर टी ब्रैकेट में जाएगा ए ई आई ओमेगा टी प्लस का बी ई माइनस आई ओमेगा टी। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चन बना ली है तो आप हीरो बन चुके हैं, आप हीरो बन चुके हैं। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो ये आपकी इतनी क्वेश्चन आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या मानना है? अब हमें कंसिडर करना है, हम जानते हैं सर कॉस थीटा, हम सर जानते हैं ई आई थीटा इज इक्वल टू, ई आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? होता है सर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। ई माइनस का आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा होता है। अगर ये वाली वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक वैल्यू बदल के आएगी। तो हमने कहा सर ठीक है, ई माइनस आर टी ब्रेकेट लगाइए फटाफट, ए यहाँ पर ई आई ओमेगा टी दिया है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है हम जानते हैं, तो हम अगर यहाँ पर ओमेगा कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, तो ये भी हमारा हो जाएगा ओमेगा टी। समझ लो बहुत ध्यान से, ये हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ओमेगा टी, तो ये भी हो जाएगा सर ओमेगा टी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अगर ये हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा ई, ई क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो ये हमारे पास आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस का ए, ये वाला ए। ठीक है, चलो ए वाला बाद में कर लेना, नहीं तो कहोगे सर ये एक ही लाइन में सब कर दे रहो। आई साइन ओमेगा टी ये लगाया हमने ब्रैकेट, प्लस का बी, फिर हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस का आई साइन ओमेगा टी। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? तन्ने कोनो दिक्कत छे? कोई दिक्कत छे कि नहीं छे बताओ जल्दी से। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। ई की पावर माइनस आर टी ब्रेकेट में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, कॉस ओमेगा टी हमने कर लिया कॉमन, यहाँ बचा ए प्लस बी। फिर यहाँ पर देखो ये साइन है, ये वाला भी साइन है, तो हमने किया क्या कॉमन, यहाँ पर करेंगे प्लस का आई साइन ओमेगा टी कॉमन, के कितना बचेगा ए माइनस का बी बचेगा कि नहीं बचेगा? कहेंगे सर बचेगा। अब देखो हमारे पास सारी क्वेश्चंस हैं, अब हम आधी वैल्यू हटा रहे हैं क्योंकि अब हमें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी है, हट जाओ यहाँ से। ये वैल्यू जो दी हुई है इसको अगर आगे और कंसिडर करें, अगर इस वैल्यू को आगे और कंसिडर करें तो क्या होगा? देखो इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं ना, क्योंकि ये इसे फालतू में लिखा हुआ है। अब आप समझ तो गए होंगे क्या करना है यहाँ पर, कौन सी इक्वेशन कितनी लिखनी है। अगर सारी इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, आखिरी वाली इक्वेशन आपके पास प्रेजेंट हो चुकी है। अगर अब आखिरी वाली इक्वेशन आपके पास प्रेजेंट है तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमारे पास आ चुका है x इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग और लगा लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम मान लें कि a प्लस बी इज इक्वल टू हमने मान लिया साइन फाई। ठीक है, और i a माइनस बी इज इक्वल ले लिया हमने कॉस फाई। बताओ कोई दिक्कत है? कहें सर कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, अच्छा क्यों कर रहे हैं हम एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, एक छोटी सी इक्वेशन, उस इक्वेशन की वजह से हम यहाँ पर एक बेहतरीन इक्वेशन बना पाएंगे, किस में, साइन के फॉर्म्स में, हम वही चाहते हैं। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी, ये हो जाएगा आपका कितना कॉस ओमेगा टी, तो हो जाएगा कितना साइन फाई, हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस का यहाँ पे कितना आएगा आई ए माइनस बी आई कॉस फाई, तो रहेगा कितना कॉस फाई साइन ओमेगा टी हो जाएगा। बताओ सब वैल्यू खत्म हो चुकी, सारी वैल्यू खत्म हो चुकी, बस ये वैल्यू बची है। तो एक्स इज इक्वल टू ई माइनस आर टी ब्रेकेट में जाएगा कितना आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है,
ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड के दो भाग हमने किए थे उनकी वैल्यू भी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको फेज डिफरेंस दिया हुआ है तो। फेज डिफरेंस आप चाहो तो इससे फेज डिफरेंस टैन फाइव ही निकाल सकते हो, इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाय आई ए माइनस बी। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब हमें इसे कंपेरिजन करना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो हमारी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। अगर ये क्वेश्चन है तो इसके बराबर देखो क्या आ रहा है, एक्स नॉट इज इक्वल टू ई माइनस आर टी। तो जो हमारा एक्स नॉट है वो इतना आ रहा है, एक्स नॉट ई आर टी के फॉर्म में कम हो रहा है, ई आर टी के फॉर्म में, ई माइनस आर टी के फॉर्म में कम हो रहा है। अगर इसको हम थोड़ा ऐसे सोचे तो ऐसे हो जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू वन बाई ई आर टी, ऐसे को लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो देखो ये पहले ही एम्पलीट्यूड कम कर दे रहा है, अगर एम्पलीट्यूड शुरुआत में एक था तो उसकी वैल्यू पहले ही कम हो गई, पहले ही कम हो गई। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा क्या है, अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग के लिए इक्वेशन। तो अंडर डैम्पिंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो अंडर डैम्पिंग के लिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये आपकी बेसिक इक्वेशन है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर कितनी वैल्यू चेंज हो रही थी वो वाला आपका फॉर्मूला था, एक्स इज इक्वल टू दिस, ये ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है एक्स के फॉर्म में, ज़रूरी नहीं कि एक्स ही के फॉर्म में रहती हो, ये वाई के फॉर्म में भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक्स के फॉर्म में रहे, ये वाई के फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है। दूसरा ये भी याद रखो कि इसका जो डायग्राम था, शायद आपने थोड़ा दिमाग से उतार दिया हो उसको, तो ऐसे करके था, तो इसका कुछ ऐसे करके डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये तो ये आपकी अंडर डैम्पिंग है, ये आपकी अंडर डैम्पिंग है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो अब आपको पता है तो क्या करना है, अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार देते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।